तो दोस्तों, हम लोग काम कर रहे थे गूगल वाली वेबसाइट सीरीज़ के ऊपर कि गूगल जैसा वेबसाइट, सर्च इंजन वेबसाइट कैसे हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और उसको फॉलो अप करते हुए हमने अब तक क्या बना लिया है मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। सो हमने ये क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर अगर आप चीज़ें सर्च करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। सो इसको फॉलो अप करते हुए हमने दो लेक्चर्स कवर अप कर लिए हैं, जिन दो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था। तो आज उसका थर्ड पार्ट है और इसके अंदर भी हम उसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। और आज के लेक्चर में क्या होगा, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे सबसे पहले। और मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे HTML, वेब डिज़ाइनिंग, PHP, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और YouTube जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, Flipkart जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर्स पोस्टेड हैं। और मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, वहाँ भी आपको बहुत ही जल्दी अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। आज के लेक्चर में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अपने इस वेबसाइट के लिए, इस वेब पेज के लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या फिर कुछ मिस कर दिया तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पिछड़ जाएंगे और उसको नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। और कनेक्शन वगैरह भी हम इसी के अंदर क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको अपने XAMPP सर्वर में अपैचे सर्वर ऑन कर लेना है और PHP MySQL ऑन कर लेना है, ठीक है। ये होने के बाद आप जाएंगे अपने ब्राउजर में जो भी आप यूज करते हैं और आप टाइप करेंगे localhost/phpMyAdmin, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो ये आपका पूरा खाली होगा, यहाँ पे आपके पास आएगा न्यू इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा और एक आध और होगा, बाकी ये पूरा जो होगा वो खाली होगा। मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को PHP सिखा रहा हूँ मेरे चैनल पर और कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, ये उनके डिटेल्स है, आपके केस में ये पूरा का पूरा खाली होने वाला है, ठीक है। नाउ आप जाएंगे न्यू के ऊपर और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो पूछेगा डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो गूगल के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गूगल न्यू नेम से बना रखा है, सो यहाँ पे दे देता हूँ मैं उसको google_new, ये हो गया मेरे डेटाबेस का नाम, ठीक है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर, जब उस पर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको रिक्वायरमेंट है। मेरे केस में मुझे 5 नंबर ऑफ कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है और ये आपसे कहता है टेबल क्रिएट करो और टेबल का कुछ नेम बताओ। तो मैं यहां पे दे देता हूं add_website, ये मेरे टेबल का नेम होगा जहां पे लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स होंगी जो कि हमें यहां पे शो होता है। जैसे कि हम किसी को क्लिक करके देखते हैं तो वो हमें आंसर दिखाता है ना उसके अकॉर्डिंग कि डोसा का रेसिपी क्या है, अगर आप नूडल सर्च करते हैं यहां पे तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी चीजें बताता है। तो वो लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स यहाँ पे लिस्टेड होंगी, सारी चीज़ें उसकी इमेजेस यहाँ पे हम मेंशन करने वाले हैं। एक बार रिपीट कर दूँ मैं आपको कि इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी कुछ कोड होने वाला है और काफ़ी इमेजेस हैं जिसको ऑलरेडी मैंने फोटोशॉप यूज़ करके अच्छे तरीके से अरेंज कर रखा है। आप चाहें तो इन सारे कोड्स को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बाय कर सकते हैं। प्राइस जो इसका है सिर्फ 49 रुपीज़ है, उसको देख के आप सारा का सारा कोड, डेटाबेस की फाइल, सारा कुछ बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे दे दिया मैंने उसको add_website, 5 नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए मुझे और मैंने क्लिक कर दिया गो के ऊपर। गो पे क्लिक करते आपके पास 5 नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। यहां पे पहला क्या है, तो मैंने उसको कहा वेबसाइट और यहां पे दे दिया मैंने टाइटल। कोई भी कैपिटल ना रखे, या तो सारा कैपिटल कर ले, सारा स्मॉल कर ले, मिक्स ना करे। आप करेंगे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन काफी टाइम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लिखने टाइम पे, हमें याद रखना पड़ता है कहां कैपिटल है कहां स्मॉल है, तो मैं उसको प्रिफर नहीं करता हूं। तो वेबसाइट का जो टाइटल है वो कैसा होगा, मैंने उसको कहा वेर केयर होगा, वेरियस करेक्टर होगा। टाइटल आप चाहे तो 100-200 करेक्टर्स रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस है कंप्यूटर के अंदर तो मैं 300 दे रहा हूं, 200 से भी आपका काम हो जाएगा। यहां पे आ गया मैं और यहां पे दे दिया मैंने इसको वेबसाइट का लिंक, website_link। आप यहां पे स्पेस ना दे, PHP के जो न्यू वर्जन है वो आपको अलाउ कर देंगे और एरर भी नहीं देंगे, लेकिन आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। या तो आप स्पेस दे ही ना, या फिर अंडरस्कोर दे, हाइफन यूज ना करें, वो जो माइनस का सिंबल होता है ना उसको यूज ना करें, अंडरस्कोर यूज करें। जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैंने कहा वेरियस करेक्टर्स का हो सकता है और इसको मैंने कर दिया 300 करेक्टर्स का।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा मैंने आपसे वोटिंग कराया था, वेबसाइट सिक्योरिटी का मेरा कोर्स बन के रेडी हो चुका है, उसके ऊपर भी बहुत ही जल्द आपको लेक्चर देखने को मिलेगा, कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, क्या है डिटेल्स, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही देखने को मिल जाएगा। और चांसेस है कि शायद आज आपको मिल जाए या फिर कल सुबह वो लेक्चर मिल जाए, और टॉप 5 लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो थोड़ा जल्दी आप उसको देखने का ट्राई करें। नेक्स्ट मैंने उसको कहा वेबसाइट का कीवर्ड्स, ठीक है, वेबसाइट अंडरस्कोर कीवर्ड्स, ये भी वेरियस कैरेक्टर्स होगा। अब बाकी चीज़ों को कम रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स को थोड़ा आप ज़्यादा ही रखें, 300-400 जितना आप रख सकते हैं। इसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन की, तो मैंने वो दे दिया, और ये भी वेरियस कैरेक्टर्स होगा। अब इसको 200 कैरेक्टर्स रख सकते हैं, लेकिन मैं अगेन 300 रख रहा हूँ, और ऐसा कंपलसरी नहीं है आपको सारे एक ही जैसे रखने। इसके बाद हमारी लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है वेबसाइट की इमेजेस जो स्टोर होंगी और जिसके अकॉर्डिंग हमें ये सारा कुछ शो होता है, तो वो मैंने दिया, और ये भी वेरियस कैरेक्टर होगा। उसका नाम जो है, इस साइज को आप 300 से ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आपकी इमेज की लोकेशन काफ़ी अंदर है तो, बट आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा की हमें कोई रिक्वायरमेंट है। सो ये होने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सेव या फिर गो का ऑप्शन मिलेगा, अगर ना मिले तो साइड में हो सकता है आपके केस के अंदर, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये क्रिएट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको ये शो करेगा। ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे, करेंटली ये एम्प्टी है, इसको बहुत जल्दी हम भरने वाले हैं और कुछ ऐसा रिजल्ट्स हम लेके आने वाले हैं। सो अब हमें क्रिएट करना है अपने फोल्डर में जाके एक डेटाबेस कनेक्टिविटी का फाइल, तो मैं आता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, और यहाँ से मैंने इसी को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको दे दिया मैंने नेम कनेक्शन डॉट php, ठीक है, php तो वो ऑलरेडी है, और ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, जिसके अंदर ताकि हमारा काम जल्दी हो और आप लोगों का टाइम बचे। सो हमने ये क्रिएट कर लिया और हम बना रहे हैं इसी के अंदर कनेक्शन वाली फाइल, ठीक है, हम कनेक्शन वाला फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको मैंने ओपन किया और सारा कुछ कर देता हूं मैं यहां से इरेज। आप स्टार्ट करेंगे पीएचपी को, और पीएचपी कर दिया मैंने क्लोज। इसके बीच में हमें करना है कुछ कोड, जैसे कि डॉलर सर्वर नेम, सर्वर नेम क्या होगा वो, इसके बाद डॉलर यूजर नेम, इसके बाद दिया मैंने उसको डॉलर पासवर्ड, इसके बाद दिया मैंने उसको डॉलर डेटाबेस का नेम डीबी नेम। आप कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, किसी और नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉजिकल नेम लेंगे ना तो आपको थोड़ा आसान होने वाला है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी चीज हमने क्यों बनाया हुआ है। तो हमारा जो सर्वर है वो लोकल होस्ट है, आप देख सकते हैं यहां पे, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो हम लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोकल होस्ट की जगह पे 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लोकल होस्ट। नाउ जो हमारा यूजर नेम है वो है रूट, इंस्टॉल करने के टाइम पे बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है XAMPP सर्वर इंस्टॉल करने के टाइम पे। और जो हमारा पासवर्ड है, XAMPP इंस्टॉल करने के टाइम पे हमने कुछ भी पासवर्ड नहीं दिया है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। आप स्पेस ना दे वरना आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा और कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आके कहता वेबसाइट जो है हमारा उसका डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस किस नेम से बना रखा है। तो मेरे केस में मैंने डेटाबेस बनाया है यहाँ पे जस्ट अभी गूगल अंडरस्कोर न्यू नेम से, ठीक है। तो जो भी आपने क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये किया मैंने। इसके बाद कमेंट पास कर देता हूं मैं, अगला जो कोड आएगा वो है टू क्रिएट कनेक्शन। आगे जो कोड है वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए है, ठीक है, और मैंने सेव कर दिया इस बार, और लिया मैंने एक वेरिएबल डॉलर कॉन, स्पेलिंग आप कुछ भी रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे दिया मैंने इसको माय SQLI अंडरस्कोर कनेक्ट, क्या कनेक्ट करे, तो यहां पे हमें प्रोवाइड करने हैं उसको ये सारे के सारे नाम कि भाई इन सबको आपस में कनेक्ट कर दे, इनके साथ हमें कनेक्शन चाहिए, चेक कर ले अगर ये डिटेल्स जो है वो मैच हो रहा है, तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दो, वरना मत प्रोवाइड करो, कुछ एरर मैसेज हमें स्क्रीन के सामने दिखा दो, ठीक है। सो मैंने सारी चीजें पेस्ट कर दी है यहां पर। इसके बाद यहां पर आके मैंने बोला इफ, और यहां पर मैंने लिखा डॉलर कॉन, अगर जो कनेक्शन बन जाता है तो क्या करे, ज्यादा कुछ नहीं, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट करे, कनेक्शन सक्सेसफुल। तो यहां पे मैंने लिख दिया कनेक्शन
ठीक है, कनेक्शन सक्सेस। नीचे आ जाएगा एल्स, अगर किसी रीजन से कनेक्शन नहीं बन पाया तो क्या करें। तो मैंने उसको कहा भाई इको कर दे कनेक्शन फेल्ड, बस इतना सा मैंने उसको कहा है। ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां क्लोज हुआ, ये यहां स्टार्ट हुआ, यहां क्लोज हुआ, ये जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने कर दिया यहां से डिलीट, और हम कर लेते हैं इसको सेव। ये जो है ना इसको मैं थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना चाहूंगा, वो क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी कनेक्शन फाइल को रन कर लेता हूं। तो कहता कनेक्शन जो है हमारे डेटाबेस के साथ बन चुका है, अगर आप पासवर्ड गलत कर देंगे तो ये सीधे सीधे कनेक्शन जो है वो बोल देगा फेल हो गया। अब देख रहे हैं कनेक्शन फेल्ड हो गया, कहता पासवर्ड यूज कर रहा है बंदा, लेकिन असलियत में तो हमने पासवर्ड दिया ही नहीं है। तो अगर आप सर्वर का नेम गलत कर दोगे तो देखते हैं हम लोग कि वहां पे क्या एरर आता है। तो कुछ एरर ऐसे होंगे ना जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, और सर्वर वगैरह का नाम गलत करने पे ये लोडिंग में टाइम ले लेता है थोड़ा सा। सो ये कहता कुछ ऐसा होस्ट मुझे मिला ही नहीं है, मैं चाहता हूं ना जो मेरा एरर आए वो थोड़ा सा अच्छा आए, तो उसके लिए हम यहां पे एक फंक्शन यूज कर लेंगे जिसका नाम है डाई, जो हमें ये प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई क्यों नहीं कनेक्ट हो पाया डेटाबेस के साथ। तो यहां पे मैंने एक मैसेज दिया कनेक्शन फेल्ड बिकॉज ऑफ, या फिर आप आगे आके लिख सकते हैं क्यों फेल हो गया, डॉट कंकैटिनेट किया मैंने इसको माई SQLi अंडरस्कोर एरर। यहां पे एक फीचर है हमारे पास, एक फंक्शन है PHP के अंदर MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, ठीक है MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, और ये किया मैंने, तो ये मुझे ये बता देगा कि क्यों नहीं कनेक्ट हो पाया। सो अब चेक करते हैं जरा हम, तो अभी हमारा कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल है, और मैंने क्या किया अपने कोड के अंदर होस्ट को नेम को गलत कर दिया, रिफ्रेश किया तो वो कहेगा कनेक्शन जो है वो फेल हो गया, और क्यों फेल हुआ है वो हमें थोड़ा सा हिंट प्रोवाइड करेगा जिससे हम एरर को जल्दी फाइंड कर पाएंगे। तो वो हमें कहता है कि कनेक्शन फेल, क्यों ऐसा कोई होस्ट हमें मिला ही नहीं। मैं कहा चलो ठीक है, ये तो पहले ही बता रहा था, अगर मैं सर्वर का नेम गलत कर दूं तो क्या होगा। तो सेव किया मैंने इसको, तो ये गलत प्रोवाइड कर रहा है, कई बार हिस्ट्री वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर मैं पासवर्ड लिख देता हूं यहां पे और मैंने सेव किया, फिर चेक करते हैं हम लोग, तो वो कहता है भाई फेल हो गया, बंदा पासवर्ड यूज कर रहा है रूट के लिए जो कि डिनाइड है। इसको हटाया मैंने, अगर आप डेटाबेस का नेम ही गलत कर देंगे तो अगर आप चेक करेंगे यहां पे तो कहता कनेक्शन सक्सेस। आई थिंक मेरे में हिस्ट्री वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, दैट्स वाई ये ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा है, वरना आपके केस में ये ऐसा नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये जो फीचर है ना आपको ये बेसिकली बता देता है कि एरर क्या है। सो जब सारा काम हो जाता है हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं कि हाँ भाई कनेक्शन तो बन चुका है, तो हमें मैसेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और स्पेलिंग आप जो मर्जी रखें इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है स्पेलिंग आप जो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड आपको यही करूंगा कि आप यही स्पेलिंग रखें ताकि आपका और मेरा मैच हो जाए, तो कोड भी हमारा मैच होता रहे जिससे एरर्स आपके ना आए। सो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके रख ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, और मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, और एक बात और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। और एक बार और रिपीट कर दूं कि अगर आपको इस सीरीज के अंदर जो भी कोड किया है मैंने वो चाहिए, और सारा का सारा आपको ये इमेजेस चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।